तो दोस्तों एडमिशन का माहौल में एक नया खबर और आ चुका है। अगर आप अखबार पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो अखबार में, तो रोज पढ़ोगे तो वहां पर आपको एक अखबार में आज के पेपर आप पढ़े होंगे कि जितने भी कॉलेज में एडमिशन चल रही है पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में, उन सभी की नए सत्र अर्थात न्यू सेशन की जो होगी क्लास होगी शुरू, वो 17 जुलाई से शुरू होने वाली है। आइए हम जानते हैं डिटेल्स के बारे में। उससे पहले जो भी लोग जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए चाहेंगे कर लीजिए, हर अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे में। यहाँ दोस्तों देख लीजिए, यहाँ साफ साफ कहा गया है कि पटना विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज में 17 जुलाई से नए सत्र की कक्षाएं शुरू हो जाएगी। अर्थात दोस्तों आज हो गई 16, मतलब कल से आपकी जो है जिनका भी एडमिशन हो चुका है वो कल से जाकर मतलब की क्लास कर सकते हैं। चले चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट खबर की तरफ में। तो नेक्स्ट खबर यहाँ पर लिखा हुआ था कि छात्रों के लिए अनुशासन पहली शर्त है। पहली बात कि आपको कॉलेज जाने से पहले कुछ आपके अंदर अनुशासन भी आ जाना चाहिए। देखता हूँ खबर में क्या लिखा हुआ था। दोस्तों बताते हैं कुलपति ने कहा है, ऐसा कुलपति अर्थात कहने का तो वो होता है प्रिंसिपल को बोलते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो छात्र अनुशासित नहीं वह जीवन में सफलता नहीं पा सकते हैं। अर्थात राज्य के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में दाखिला ले रहे छात्रों से अनुरोध किया गया है कि आप अनुशासनहीन से क्लास करें और तो क्लास में रोज आए। इसी कारण कुछ कुछ आपको बताया गया है। तो चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट खबर की तरफ में। नेक्स्ट खबर बता दूँ कि नेक्स्ट खबर यहाँ पर यह है कि पटना साइंस कॉलेज की तीसरी कटऑफ जारी हो चुकी है। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि BSc बायो, देखो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कितना कितना गया है। अब दोस्तों कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर गारंटेड और नॉन गारंटेड क्या होता है। बहुत सारे मेरे पास ईमेल से मैसेज आए, मेरे पास व्हाट्सअप से मैसेज आए, मेरे पास इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज कर रहे हैं सर गारंटेड और नॉन गारंटेड लिस्ट क्या होती है। आइए दोस्तों समझाता हूँ मैं क्या होती है नॉन गारंटेड और गारंटेड। दोस्तों गारंटेड अर्थात तो वैसे बच्चे जो अगर आते हैं गारंटेड के अंदर में तो उनका एडमिशन हो ही जाएगा, उनको कोई परेशानी दोस्तों नहीं होगा, उनका एडमिशन 99% कंफर्म है। अब दोस्तों हुआ नॉन गारंटेड, तो जिनका भी नंबर आती है नॉन गारंटेड के अंदर में उनका एडमिशन पहले होगा गारंटेड वाला का, अगर सीट बचता है तभी नॉन गारंटेड वाला का होगा। इसीलिए दोस्तों नॉन गारंटेड और गारंटेड दोनों कहा जाता है, मतलब गारंटेड का पहले होता है, नॉन गारंटेड का उसके बाद ही हो पाएगा, ठीक है। इसलिए आपको दो तरह की लिस्ट कहा जाता था कि हर प्रत्येक बच्चे छूट ना पाए। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ BSc बायो का और BSc मैथ का, इन सब का यहाँ पर वो खाली है। और दोस्तों उम्मीद है कि बहुत ही जल्द आपको है स्पोर्ट नामांकन के लिए भी आवेदन शुरू हो जाएगी। अगर आप नहीं जानते हो तो मैंने आज के वीडियो में आज सुबह मैंने स्पोर्ट नामांकन क्या होती है, कैसे इसमें फॉर्म भरेंगे, मैंने वीडियो बना दी है आपको मेरे चैनल पर या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ताकि आप देख सकते हैं स्पोर्ट एडमिशन क्या होती है, ठीक है। आपको नहीं पता हो सकता मैं नेक्स्ट खबर की तरफ, नेक्स्ट खबर तो सुन लीजिए यहाँ पर कि जो भी लोग एडमिशन करवाना है जिनका भी 40+ नंबर है वो लोग जाकर डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं BN कॉलेज में। ये भी एक नया खबर यहाँ पर निकल के आई है। पटना के BN कॉलेज में दाखिला के लिए जरा छात्र की भीड़ नहीं उमड़ रही है, इसके लिए यहाँ पर BA में नामांकन के लिए इतना सीट खाली है अभी, और BSc में भी इतना सीट खाली है, मतलब 281-204 सीट खाली है। इसीलिए जो वहाँ का प्रोफेसर है उन्होंने कहा है कि 300 छात्रों को बुलाया गया है जिनका भी 40+ नंबर है, जाकर वो डायरेक्ट 18 तक, ठीक है, 18 तक जाकर एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों और न्यूज में चलते हैं आय की तरफ, मतलब न्यूज में आय की तरफ यही है कि आपको कॉलेज ज्वाइन करनी है तो आप जाकर 17 से क्लास दोस्तों कर सकते हैं, कोई भी वर्कआउट वहां नहीं होगी। और दोस्तों मेरे ख्याल से आपके पास कोई और भी कुछ क्वेश्चन बचता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे उसकी लिंक दी हुई है। तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, तब तक धन्यवाद। और जाने से पहले एक बार दोस्तों जरूर कहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि हर अपडेट यहाँ मिलती रहेगी। चलिए मिलता हूँ।